दोस्तों आप सबका स्वागत है कमल्स फूड लैब में, जहाँ पर हम बनाते हैं हेल्दी, इजी और टेस्टी रेसिपीज। दोस्तों अभी व्रतों का सीजन चल रहा है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जो आप व्रत के दिनों में एंजॉय कर सकते हैं और ये आपको इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करेगी। तो इसे पराड़ी सुखड़ी भी कहते हैं गुजराती में, या आप इसे व्रत वाली बर्फी भी कह सकते हैं। और ये देखिए, एकदम सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली ये बनकर तैयार होती है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप राजगिरे का आटा और 1/4 कप सिंघाड़े का आटा। एक भारी तले का पैन मैंने गरम रख दिया है और उसमें हम डालेंगे देसी घी। 1/2 कप ठंडा घी लिया है मैंने, उसमें से 2 चम्मच घी मैं रोक लेने वाली हूँ और बाकी का मैंने अभी ऐड कर दिया है पैन में। आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी का घी हम यूज़ करेंगे। घी के पिघल जाने पर इसमें मैं दोनों आटे डाल दूँगी और आँच मैंने एकदम धीमी रखी है। दोनों आटों को अच्छी तरह से हमें हल्का सा ब्राउन होने तक सेक लेना है। दोस्तों राजगिरे का जो आटा होता है, ये फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, और सिंघाड़े का आटा भी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटेशियम में बहुत ही रिच होता है। साथ ही में इसकी जो कैलोरीज हैं वो बहुत कम होती हैं, तो ये हमें इंस्टेंट एनर्जी तो प्रोवाइड करते ही हैं दोनों आटे, साथ ही साथ में ये बहुत ही गुणकारी होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, भुनते भुनते धीरे धीरे एकदम बढ़िया सा ब्राउन कलर आ गया है। 8 से 10 मिनट लगे हैं मुझे इन आटों को भुनने में, बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने इन्हें भुना है। और बस इसी स्टेज पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ सौंठ का पाउडर डाल दिया है ताकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अभी बारिश का सीजन भी है तो डाइजेस्ट होने में आसानी रहती है। अब यहाँ पर मैंने ढीला वाला जो गुड़ आता है, देसी गुड़, वो लिया है। अगर आप दूसरा कोई भी गुड़ यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप ग्रेट करके लें, पीस कर लेना है आपको, ताकि एकदम बारीक रहे आपका गुड़, क्योंकि हमने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है। 2 से 3 मिनट इस मिश्रण को ठंडा होने दिया है और उसके बाद हमने इसमें गुड़ ऐड किया है। ऐसा करने से ही ये जो बर्फी है ये एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। हमारा जो बर्तन है वो ऑलरेडी गर्म है और हमारा आटा भी गर्म है, तो हमारा गुड़ है वो एकदम आराम से पिघल जाएगा। तो बस इस तरह से कंटिन्यूस चलाते जाएं और इस तरह से प्रेस करते जाएं, तो गुड़ जो है वो एकदम आसानी से मेल्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लगा हुआ मोल्ड तैयार कर लिया है, उसमें हम इस मिश्रण को डाल देंगे। दोस्तों ये मिठाई बहुत ही फटाफट बन जाती है, खाली इसमें 2 ही चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना होता है। आटा जो है बिल्कुल धीमी आँच पर सेकना है और गुड़ जो है वो गैस को बंद करके 2 से 3 मिनट के बाद हमें ऐड करना है। बस ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो बर्फी है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनती है ये। तो बस इस मिश्रण को मैंने लेवल कर लिया है और इसके बाद आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ बादाम की कतरनें डाल दी हैं और हल्का हल्का इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, और 10 से 15 मिनट इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें हम कट्स लगा लेंगे, तो यहाँ पर आप अपने मनचाहे आकार में इसे काट सकते हैं और किसी भी व्रत में आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अभी श्रावण महीना भी चल रहा है तो कई लोग पूरे महीने का व्रत करते हैं, उसमें भी आप इसे खा सकते हैं। एकादशी के व्रत में खा सकते हैं, जन्माष्टमी में खा सकते हैं। बस ये देखिए, अब ये 2 से 3 घंटे में हमारी बर्फी एकदम ठंडी हो चुकी है, तो इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। फिर से एक बार चाकू से थोड़ा कट्स लगा लेंगे और बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाएगी। दोस्तों ये जो मिठाई है ये इतनी हेल्दी है कि अगर आपका व्रत नहीं है तो भी आप इसे बनाकर रोज़ 1 पीस खा सकते हैं, और बच्चों को अगर रोज़ ये 1 पीस आप 1 ग्लास दूध के साथ देंगे तो ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है। दोस्तों तो ज़रूर ट्राई करिए इस हेल्दी सी रेसिपी को, और आप देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। और इसे ट्राई करने के बाद अपने फीडबैक्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें ताकि नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले।